हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा, आज आपका टेक्नोफिस स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम PSP के गेम्स, जी हाँ आपने सही सुना, PSP के गेम्स अपने एंड्रॉयड फ़ोन में खेल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर खोलना पड़ेगा और कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। दोस्तों आपने ऐसे बहुत सारे मेथड ट्राई किए होंगे पर वो फेक निकलते हैं, पर मैंने ये मेथड खुद ट्राई किया है, मैं आपको आज बताऊंगा। तो आपको गूगल, आपको प्ले स्टोर खोलना, उसके बाद आपको डालना है PPSP, ठीक है। और आपको ये वाला डाउनलोड कर लेना है जो आप देख सकते हैं, आपको ये डाउनलोड कर लेना है PSP एम्यूलेटर, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप अगर आप ऐसे खोलेंगे, आपने डाउनलोड कर लिया, अब अगर आप ऐसे खोलेंगे तो खैर यहाँ पे आप अगर रीसेंट गेम्स में आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने एक गेम डाउनलोड करके रखा है तो मेरे को दिखा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने PPSP डाउनलोड कर लिया, PPSP एम्यूलेटर। सर आपको डाउनलोड करना है ZA Archive, जी हाँ ZA Archiver आपको डाउनलोड करना है। आपको दोनों एप्लीकेशन करने के बाद आपको करना है UC ब्राउज़र। अगर आप नहीं करना चाहे तो भी चलेगा, क्योंकि UC ब्राउज़र आपको जल्दी डाउनलोड करके देता है, इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप UC ब्राउज़र से करिएगा। उसके बाद आप जब UC ब्राउज़र से कर लेंगे, आप UC ब्राउज़र को डाउनलोड कर लेंगे, आप उसको ओपन करेंगे। एक मिनट, और आपको डालना है UC ब्राउज़र पे खोल के फ्री रोम PSP। उसके बाद आपको इसको ओपन करना है और आप इधर आ जाएंगे तो आपको इधर देखेगा ये PSP रोम्स फॉर स्टोरी प्ले स्टेशन पोर्टेबल ISOS freeroms.com। और दोस्तों ये नो रूट मेथड है, आपका फ़ोन एकदम भी रूटेड नहीं होना चाहिए, विदाउट रूट इसको कर सकते। और आप जैसे ही इधर इस वेबसाइट में पहुंचेंगे, आपको इधर सेलेक्ट करना है प्ले स्टेशन पोर्टेबल PSP। अगर आप कोई और करेंगे तो नहीं होगा, मोस्टली नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको प्ले स्टेशन पोर्टेबल PSP सेलेक्ट करना। उसके बाद आपको इधर लेटर सेलेक्ट करना है, कि जैसे कि मुझे कर रहा है WWE, तो मैं W लेटर सेलेक्ट करूँगा। पर दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि इसमें आपको सिर्फ कुछ ही गेम्स मिलेंगे, बहुत रेयर गेम्स मिलेंगे, तो ये आपको याद करना रहेगा। और आप देख सकते हैं कि मेरे को मिल चुका है WWE स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2011। और उसके बाद आपको इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट डाउनलोड में क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं कि कुछ 1 GB के लगभग गेम पड़ेगा, आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड में क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने डाउनलोड्स पे जाइएगा और आप एक जिप फाइल होगी, तो आप देख सकते हैं एक जिप फाइल है। और उसके बाद आपको ZA Archive का काम होगा, आप ZA Archive खोलेंगे। उसके बाद आपको UC डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा। UC डाउनलोड्स का क्या भाई मेरे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे UC डाउनलोड्स दिख गया, आपको उस पर क्लिक कर जाए, क्योंकि आपने UC से डाउनलोड किया है तो आपको UC डाउनलोड्स पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे इसकी एक जिप दिखेगी, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको अपना PSP खोलना है। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे जाएंगे तो आपको जो स्टोरेज इम्यूलेटेड पे जाना है, और उसके बाद आपको इधर इस एरो पे आपको क्लिक करते करते इधर आपको अपनी फाइल्स पर आना है। फाइल्स पे आने के बाद आपको होम में जाना है, और होम में जाने के बाद
क्योंकि हम लोग ने यूसी से किया था, तो वो यूसी डाउनलोड में ही आपको दिखेगा। आप यूसी डाउनलोड में जाके डाउनलोड में स्नैपडाउन करके एक फोल्डर बन जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको आपका गेम दिख जाएगा। मैं आपको अगर चला के भी दिखाऊं, पर दोस्तों अगर आप ये गेम करेंगे तो क्या होगा कि इसमें जो कभी कभी गेम अटकेगा, क्योंकि वो आपकी रैम पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी 1 GB रैम हो तो आप मत ही करना, क्योंकि मेरी 3 GB रैम तभी भी अटकता है। तो आपको अगर ऐसे गेम्स करने तो आपको एक हाई एंड फ़ोन, मतलब रैम ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें प्रोसेसर होना चाहिए। उसके बाद आप खेल लीजिएगा गेम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। टिल देन बाय।